हेलो भाइयों, मैं हूँ मनी अंगवार। भाई आज अपने साथ है द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। मतलब हमेशा से ये कार ना इंडिया में पहली पसंद रही है, चाहे ये हो चाहे वैगन आर हो, पहली पसंद लोगों की रही है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि छोटी कार सारे फीचर्स मिलते हैं। आम आदमी की मिडिल क्लास फैमिली की कार है। आज के टाइम में जहाँ कार इतनी महंगी हो रही है, 5-5.5 लाख में ऑन रोड एक पावर स्टेयरिंग पावर विंडो वाली कार, अच्छा इंजन, रिफाइंड इंजन, अच्छा एवरेज अगर आप ढूंढते हैं ना, तो आपको यहीं आके इसी कार में देखने के लिए मिलता है। और ये अपने साथ जो आज वेरिएंट खड़ा हुआ है, इसका ऑल्टो K10 का VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर आप CNG में इस कार को लेने जाते हैं ना, तो केवल VXI में ही CNG मिलती है, मतलब इस वेरिएंट में। ये तो पेट्रोल है, बस इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बूट में CNG टैंक लग जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेम कार आपको CNG में देखने के लिए मिलने वाली है। भाई अगर कार की मैं फ्रंट से बात करता हूं ना, तो आप लाइट्स देखेंगे हैलोजन में मिल जाती हैं, रिफ्लेक्टर बेस देखने के लिए मिल जाती है, प्रोजेक्टर यूनिट यहां देखने के लिए नहीं मिलती है। इंडिकेटर की बात करता हूं, हैलोजन में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो इसकी ग्रिल है ना, पूरा ये बम्पर में ही अटैच है, आप देखेंगे पूरा बम्पर के साथ ही आपको यहां पर, और मैट फिनिश में, एक बोल सकते हैं ना रफ एंड टफ यूज वाली कार है, और बहुत सही आपको देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं ना, 1490 mm की हमें इसमें विड्थ भी देखने के लिए, चौड़ाई भी देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल कुछ इस तरह से रहता है ओवरऑल फ्रंट व्यू कार। भाई अगर कार के साइड में आते हैं ना, पहले जो एक छोटा सा लुक रखता था ऑल्टो का, वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दूर होता हुआ दिखेगा। मतलब हाइट भी थोड़ी सी कार की बढ़ चुकी है, तो इन चीजों से काफी बेहतर लुक हो जाता है कार का। वहीं आप इसकी लेंथ देखोगे तो लेंथ आप बोल सकते हो मोटा मोटा इसकी 3530 mm की हमें इसकी लेंथ मिल जाती है। व्हील बेस की बात करूँ, छोटी कार है, हैचबैक सेगमेंट की कार है, कहीं ना कहीं स्पेस की कमी अंदर होती है रियर साइड में, आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करता हूं, तो लगभग 2380 बाकी एक्यूरेट बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा mm में हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो अपने ये ORVM है ना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, छोड़िए भाई अंदर से डंडियां घुमानी है, ये अच्छी बात है कि आपको डंडियां घुमाने के लिए दे दी जा रही है, नॉर्मल सादा नहीं दिए जा रहे हैं। इंडिकेटर फ्रंट फेंडर पर मिल जा रहा है। भाई अगर टायर की बात करता हूँ, ब्लैक रिम मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ, ये अच्छी बात है, स्टील रिम नहीं मिल रहे हैं। और भाई अगर टायर साइज की बात करूँ, 145/80R13 इंच का टायर मिल जा रहा है, काफ़ी सही है यार। बाकी तो ओके डन रिपोर्ट, मतलब टायर आप देखेंगे इस तरह से, बाकी A+, B+, C+ तीनों ही बॉडी कलर्ड मिल जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सही लग रहे हैं। भाई अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करता हूँ, फ्यूल टैंक जो है केवल पेट्रोल में है, ये CNG में नहीं है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, छोटी कार है तो फ्यूल टैंक भी छोटा है, केवल 27 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हमें देखने के लिए मिलती है। सोचो 2700 रुपये में गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा, 2600-2700 रुपये में भाई और क्या चाहिए, मतलब इतना सही आपको चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बात रियर साइड में आप ध्यान देंगे, कोई भी रियर डिफॉगर वॉशर यूनिट कुछ भी आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है ऑल्टो K10 की बेजिंग, बाकी ऑल्टो में आपको किसी भी वेरियंट की बेजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। LXI, VXI कुछ भी आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी अगर बात करता हूँ रियर में और चीज़ें, तो देखेंगे आप 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं। कैमरा वैमरा कुछ भी नहीं ऑफर करती है कंपनी यहाँ पर, इसे ओपन भी हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। आगे से देखता हूँ ओपन कर सकते हैं, वरना हम की से ओपन करेंगे इसे। अगर आगे देखता हूँ तो भाई बिल्कुल यहाँ पर हमें ओपन करने के लिए मिल जाता है। चलिए पीछे चलते हैं, आगे से आप ओपन कर सकते हैं इसे, और जब इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से बूट स्पेस सेगमेंट के हिसाब से, कार के हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। कितना नंबर्स में? 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी गहरा है, बहुत सही है। स्टेपनी की बात करूं तो आप देखेंगे स्पेयर व्हील इसी में नीचे मिल जा रहा है, 145/80R13 13 इंचेस का ही देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी ये सारे स्पेयर किट विट वो होगी, बाकी यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर इससे बंद करते हैं, बाकी इधर ध्यान देंगे ना, फ्यूल टैंक अब ओपन कर लिए, देखें इथेनॉल 20% वाला हमें इंजन यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। चलिए तो कुछ इस तरह से था कार का 360 व्यू, अब कार के अंदर चलते हैं। और भाई अंदर चलने से पहले कार की की, तो आप देखेंगे कोई भी सेंट्रल लॉकिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, दोनों ही बिल्कुल सिंपल की हैं। अगर सेंट्रल लॉकिंग की बात करूँ की के थ्रू, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने ही। हाँ बिल्कुल, की के थ्रू यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप ड्राइवर साइड गेट देखेंगे ना, बिल्कुल बेसिक गेट मिल रहा है आपको, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, पावर विंडो के स्विचेस यहाँ नहीं मिल रहे हैं। अंदर देखने के लिए मिलते हैं, डंडी मिल जा रही है एडजस्ट करने के लिए ORVM को, स्पीकर मिल जा रहा है, वाटर होल्डर मिल जा रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है। ड्राइवर साइड सीट की बात करता हूँ, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिल रहा है, केवल आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। बाकी कार में अंदर बैठ के इसका कम्फर्ट देखते हैं, अगर आप देखेंगे ना सीटिंग कंफर्ट काफ़ी सही है इसका, मतलब एक ऑल्टो के हिसाब से आप देखो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा गहराई में बैठ गए हैं।
बाकी चीज़ें ठीक है, अंडर द सपोर्ट लगभग ठीक है, स्कूप बिस्कूप्स बढ़िया है। बाकी अगर MID की बात करते हैं तो सामने देखेंगे कुछ इस तरह से डिजिटल फॉर्म में MID मिल जा रहा है, फ्यूल गेज ये अपना यहाँ पर हो जा रहा है, इस तरह से मिल जाता है, टाइम हो गया। बाकी ये ऑडोमीटर है, इसे हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल ट्रिप ए आ गई, ट्रिप बी आ गई, और ये ऑडो, ये अपना एवरेज बहुत बढ़िया सब कुछ बता रहा है, रेंज वेंज भाई ऑडो मीटर आ गया इस तरह से। इधर देखेंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, इधर देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स हैं। इधर ध्यान देते हैं तो भाई म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, वॉइस कॉलिंग फीचर के साथ मिल जा रहा है, सबसे बढ़िया बात। अलर्ट देख लो, लो फ्यूल, मतलब इधर की भी सारी चीज़ें आपको इधर देखने के लिए मिलने वाली हैं। भाई आप देख रहे हैं ऑक्स USB सब लगा रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की बात मत करना भाई, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने के लिए नहीं मिलेगा। IRVM की बात करता हूँ, डे नाइट नहीं मिलता है, सादा है बिल्कुल, मैनुअली एडजस्ट करते रहिए अपने आप, डे नाइट नहीं है। इधर बात करते हैं तो वैनिटी मिरर नहीं है, इधर बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है। बाकी ओके डन रिपोर्ट है। हाँ एक बात तो रह गई भाई, पावर विंडो है ना, ये तो इनके स्विचेस कहाँ हैं, तो भाई ये रहे स्विचेस, ये देखिए, तो पावर विंडो के स्विच हमें इधर मिल जा रहे हैं और इधर के इस साइड में ये रहा, तो यहाँ पर पावर विंडो के स्विच, टिकटॉक हजार्ड हो गया, मैनुअल AC हो गई, टेम्परेचर हो गया, इनर सर्कुलेशन, 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट हो गया चार्जर वार्जर के लिए, फ़ोन की जगह 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स स्मूथ है, वो तो मारुति की पहचान ही है भाई ये स्मूथनेस। हैंड ब्रेक, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ, नॉर्मल है, ठीक है। बाकी ये रहे अपने AC बेंड्स, कुछ इस तरह से रहता है ओवरऑल इंटीरियर कार का। भाई अगर रियर साइड में बात करता हूँ ना, केवल आगे की ही पावर विंडो मिलती है भाई, पीछे के डंडा घुमाना है इस तरह से आपको, ठीक है, आप पीछे आपको पावर विंडो नहीं मिलती है। सीट्स की बात करता हूँ तो सीट्स हैं भाई, बेंच सीट्स हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, और अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से ठीक है, और बैठ के थोड़ा सा कम आपको फील होने वाला है। हेडरूम इनफ बोल सकते हो, ठीक है, सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक है। और चीज़ें आर्मरेस्ट कुछ नहीं है, बैक में हेडरेस्ट एडजस्टेबल है जो कि मेरे तो बहुत नीचे रह जा रहा है। तो देखो रियर साइड है भाई, छोटी कार है, कम रुपए में मिल रही है, ये सारी चीज़ें तो आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी। मतलब यहाँ पर रियर में आप देखेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर केबल लाइट भी नहीं मिल रही, केवल एक ही केबल लाइट आगे देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल कुछ इस तरह से रहता है इंटीरियर देन इसका। भाई मैं अगर इसमें इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें हमें 998 cc, मतलब 1000 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें 66 BHP की पावर, 89 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। भाई इसमें हमें 27 लीटर की टंकी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि इसका जो हमें रेंज मिल जाती है ना, 650 किलोमीटर की लगभग हमें रेंज इसमें देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ना, जो इसका एक्सशोरूम प्राइस है वो है 5,06,000 रुपये। वेरियंट कौन सा है? ऑल्टो VXI, ऑल्टो K10 VXI पेट्रोल। और ऑन रोड की बात करूँ तो इस टाइम हूँ मैं UP के बरेली सिटी में, जहाँ पर ये मोटा मोटा आप बोल सकते हो 5,80,000 के राउंड में ऑन रोड पड़ जाती है। भाई अगर मैं बात करूँ ना ये CNG में क्या रेट पड़ेगा, तो भाई CNG में क्या होता है, 90-95,000 रुपये पड़ जाते हैं, तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो हो जाता है करीब 5,80,000 या 90,000 रुपये। और अगर ऑन रोड की बात करूँ पूरा 1,00,000 रुपये पड़ जाते हैं, वो पड़ जाइए 5,80,000 की, तो ये CNG में पड़ेगी 6,80,000 रुपये की ऑन रोड। यहाँ पर ये आपको थोड़ी कॉस्टली लगेगी, मतलब एक ऑल्टो टाइप की कार CNG में 6,80,000, मतलब 7,00,000 के अराउंड में ऑन रोड थोड़ा सा कॉस्टली लगने लगती हैं चीज़ें। फिलहाल तो कुछ इस तरह से रहती है अपनी कार। कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।